يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون सबसे अहम महीना पूरे इस्लामी साल का रमज़ान है रमज़ान से पहले शाबान का महीना आता है और इस वक्त शाबान का महीना ख़त्म होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं इन रमज़ान बहुत करीब है अल्लाह हम सबको खैर आफत के साथ रमज़ान देखना नसीब करे और इसमें जो भी इबादतें हम करें अल्लाह ताला उसको कबूल करे और हम सबसे राज़ी हो जाएं आमीन हम रमज़ान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कई बार बात कर चुके हैं और हमारे कम्युनिकेशन के तमाम जराए पर वो लेक्चर्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगी कि आप उन रिमाइंडर्स को सुन लें अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा आज मैं मुख्तरा आपसे एक रिमाइंडर पर बात करूंगी और वो है फस्त तबिकल नेकियों में तेज़ी से आगे बढ़ना अल्लाह सब हम सबको तोफीक दे के इस रमज़ान में हम बहुत तेज़ी के साथ नेकियां करने वाले हों और नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं यानी मिटा देती हैं तो इन नेकियों के जरिए माजी में होने वाली गलतियों को अल्लाह की तोफ़ी और ऐजन से मिटाना है इनशाला तो इस रमज़ान का सबसे अहम रिमाइंडर है कि हम नेक आयाल में तरक्की करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारी नेकियों से हमारे गुनाहों को मिटा देगा इनशाला सो वी शुड रेस टू ऑल दैट इज गुड एंड अल्लाह डिलीट आर सेंस फ्राम दास्ट इनशा नबी अक्रम सल्हसम ने साहबा कराम की ऐसी ही तरबिया की कि वो नेकियों में सबकत करने वाले थे एक दूसरे से बढ़कर नेकिया किया करते थे सब एक दूसरे से मुकाबला किया करते थे और ये बड़ा हेल्दी कॉम्पटिशन होता था नबी अक्रम सल्लाम ने एक मजलिस में पूछा आज तुम में से कौन रोजेदार है अबू बकर रजील तु ने जवाब दिया मैं हूं आप सल्लाह वसलम ने पूछा आज तुम में से किसने मरीज की इयादत की है अबू बकर रजील तु ने कहा मैंने आप सल्लाह वसलम ने पूछा आज तुम में से किसने कोई जनाजा पढ़ा है अबू बकर रजील तु ने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज किसने मिसकिन को खाना खिलाया है ने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी में एक दिन में ये सिफात जमा हो जाए वो जन्नत में दाखिल होगा सिलसिला तो सही की ये रिवायत थी आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से सवाल करके तरबिया की बाकी लोगों को तरगीब दी कि नेकियां इतनी सारी करनी है नेकियों में तेज होना है अब इस रमजान में हम सब कोशिश करेंगे कि नमाज अव्वल वक्त में हो रोज़ा तो होगा इनशाला तिलावत कुरान भी हो असकार भी हो सदक़ा रोज करें इनशाला और अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत करें बस आपका जाना पॉसिबल नहीं होता तो कोई जरूरी नहीं अब आप फोन कॉल पर भी इयादत कर सकते हैं और यह बहुत आसान हो गया अल्हदल्ला तो एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास नेकियों की जो हम डेली बेसिस पर करने वाले हों या फिर हम रोजाना बहुत सारी नेकियां करने वाले हों अबू बकर रजील तनो हमारे लिए मिसाल हैं नेकियों में सबकत ले जाने के हवाले से एक दफा इब्ने मसूद रजीला तनु मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि आप अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर रजील तनो के साथ तशरीफ लाए हजरत इब्ने मसूद सुरन्नसा की तिलावत कर रहे थे आप वली वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कुरान को इस तरह पढ़ना चाहे जिस तरह नाजिल हुआ है वो अब्दुल बिन मसूद की किरात के मुताबिक पढ़े यानी कितना बड़ा कमेंट दिया नबी अकरम अक्रम वली वसल्लम ने कि अब्दुल बिन मसूद जो है वो बिल्कुल वही जैसे नाजिल हुई है वैसा कुरान पढ़ते हैं

ऐसी नेमतें मांगता हूँ जो मुनकते ना होने पाए और जन्नत खुल्द के आला मकाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत मांगता हूँ अब ये दुआ इन्होंने मांगी थी और किसी को पता नहीं थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बशारत दी कि ये जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी हजरत उमर उम्र रजीलू ने सुबह सवेरे इबन मसूद के पास जाकर ये बशारत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो मांगोगे मिल जाएगा मगर अबू बकर रजील्ला तन पहले वहां पहुंचकर ये बशारत सुना चुके थे और वो ये भी पूछ चुके थे कि आपने दुआ में मांगा किया था हजरत उमर रजील्ला तनों ने इन्हें देखकर कहा किन को देखकर कहा अबू बकर रजील्ला तला को देख कर कहा कि आप तो हर कार्य खैर में आगे रहते हैं कोई आपसे कैसे मुकाबला कर सकता है मुसल अहमद की रिवायत है मैं आपको जो हदीस बयान कर रही थी उसके पीछे मकसद ये था कि आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तनों किस तरह से फस्त तब खराद किया करते थे सुबह अल्लाह तब को भी ऐसा ही नेकियों का शौक अदा करे हमने कोशिश करनी है कि जिस नेकी का मौका मिले उसको फौरन कर लें ये चीज़ हम बेशक रमज़ान के रिमायडर के तौर पर ले रहे हैं लेकिन ये पूरी जिंदगी का उसूल बना लें कि जैसे ही कोई नेकी का मौका मिलेगा उसको ना नहीं कहेंगे फौरन से हाँ कहेंगे नेकियों में जल्दी बहुत ही पसंदीदा है अगर नेकी का मौका मिस हो जाए तो इस पर अफसोस होना चाहिए इसमें यकीनन हमारी कोताही होती है रमज़ान नेकियों का मौसम बाहर है प्लीज खुद को एक्टिव करें अपनी एनर्जीज को सेव करें अपनी सेहत का ख्याल रखें और भरपूर अंदाज में नेकियों से भरी रमज़ान गुजारने की नीयत और इरादा करें अल्लाह ही नकियों की तोफ़ी देने वाला है अल्लाह अपने बंदे की नीयत के मुताबिक उसके लिए रास्ता आसान करता है अल्लाह मुझे आपको हमारे घर वालों को हमारी औलादों को नेकियों में आगे बढ़ने वाला बनाए और अल्लाह तला हमें नेकी का एतमाद नसीब करे क्योंकि नेकी का जब एतमाद नसीब हो जाता है तो इसका फ़ायदा यह है कि इंसान रियाकारी से बच जाता है उसकी नेकी में इखलास होगा और वो नेकी से कभी पीछे नहीं रहेगा तो अल्लाह तला हमें नेकी का एतम नसीब करे और हमसे हर नेकी कबूल फरमाए और हमारी नेकियों को हमारे मीज़ान में भारी करे आमीन मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपने क्या सोचा है रमज़ान के बारे में और किस तरीके से आप जो है वो रमज़ान गुजारना चाहते हैं देखिये हम में से हर कोई जो है ये चाह रहा होता है कि उसका रमज़ान पिछले रमज़ान से बेहतर हो उम्मीद है कि हम सब इसी नीयत के साथ ही रमज़ान को शुरू करें अवल तो हमें यह पता ही नहीं कि आया हमें रमज़ान मिलेगा भी या नहीं हम अल्लाह तला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान नसीब करेगा अल्लाह ताला अगर हमें रमज़ान नसीब करे तो हमें नेकी की तोफ़ीक भी अदा करे और जो भी नकियां हम करें अल्लाह उसको कबूल भी फरमाए क्योंकि असल जो टेंशन है ना वो कबूलियत का है कि अल्लाह उसको कबूल भी करे तो इन श्ला कोशिश करेंगे कि नेकियों में आगे बढ़ें अगर हम नेकियों में सबकत करना चाहते हैं तो हमें नेकियों का सेंस होना बहुत जरूरी है वरना तो नेकी के मौके आते रहते हैं और हम उसे मिस कर जाते हैं तो इन अव्वल तो नेकियों में तेजी दिखानी है ठीक है और कोशिश करनी है कि अगर कोई नेकी खुद से चलकर दरवाजे पर आए तो फिर उसको फौरन से करना इनशा तला अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने की तोफी कता फरमाएं